हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युत स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी बात आती है कि धारा विद्युत का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि धारा विद्युत क्या है, तो धारा विद्युत का मतलब होता है, ठीक है, भौतिकी की ऐसी शाखा, भौतिकी की ऐसी शाखा जिसमें गतिमान आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे धारा विद्युत कहते हैं। धारा विद्युत कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि धारा विद्युत क्या है, तो सीधी सी बात है, भौतिकी की ऐसी शाखा जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, गतिमान आवेश के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, धारा विद्युत कहते हैं, ठीक है। अब धारा विद्युत पढ़ने से पहले आपको आवेश वाहकों के बारे में पढ़ना होगा। तो अगली हेडिंग आती है आवेश वाहक क्या होते हैं। किसी पदार्थ के ऐसे कण जिनके कारण उस पदार्थ में धारा का प्रवाह होता है, इस कारण उस पदार्थ में धारा का प्रवाह होता है, उसे आवेश वाहक कहा जाता है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, आवेश वाहक क्या होते हैं, ऐसे कण किसी भी चालक में या किसी भी पदार्थ में, ऐसे कण जिसके कारण उसमें क्या होता है, धारा का प्रभाव होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम आवेश वाहक कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आवेश वाहक क्या होते हैं, तो ऐसे कण जिसके कारण किसी पदार्थ में धारा का प्रभाव होता है, उन्हें आवेश वाहक कहते हैं। अब अलग अलग पदार्थ के लिए आवेश वाहक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं पदार्थ, ठीक है, और यहां पर आवेश वाहक, ठीक है, अलग अलग पदार्थ का नाम लिख रहा हूं, साथ ही साथ उसमें कौन कौन से आवेश वाहक होते हैं उनके बारे में भी लिख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं चालक में आपकी धातु, मिश्र धातु, ठीक है, ग्रेफाइट आदि आ जाता है, ठीक है। तो चालक ब्रैकेट में लिख लेता हूं धातु, ठीक है। तो इसमें जो आवेश वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या कोई लिखता है मुक्त स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपका चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है, फिंडर लेक्चर पूछ लेते हैं, कैसे पूछ लेते हैं कि चालक में धारा का प्रवाह खालिस्तान के कारण होता है, तो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है चालक के बाद आपका आ जाएगा क्या, विद्युत अपघट्य, ठीक है। विद्युत अपघट्य में जो धारा का प्रभाव होता है वो किसके कारण आता है, होता है आयनों के कारण। कौन कौन से आ रहे, आयन, धनायन एवं ऋणायन, धनायन एवं ऋणायन, ठीक है।
इनके कारण आपको क्या होता है, धारा का प्रभाव होता है किसमें, आपके ये विद्युत अपघट्य में, ठीक है। उसके बाद विद्युत अपघट्य के बाद आपके आते हैं अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक है। तो अर्धचालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन एवं होल के कारण होता है, किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन एवं होल के कारण, इलेक्ट्रॉन एवं होल के कारण, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं गैस, तो गैस क्या होती है, सामान्यता गैस जो होती है वो सामान्यता क्या होती है, कुचालक होती है, यानी आपकी धारा को प्रवाहित नहीं होने देती। लेकिन अगर आप तापमान उच्च कर दें और निम्न दाब कर दें तो आपकी गैस में भी क्या हो जाती है, धारा प्रवाहित हो जाती है। तो उसमें जो धारा प्रवाहित होती है आयन एवं इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, तो कब, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर, ठीक है। तो किसके कारण होती है, आयन एवं इलेक्ट्रॉन के कारण, आयन एवं इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। तो ये हो गए आपके विभिन्न पदार्थ और ये हो गए उनके आवेश वाहक हो गए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं धारा, विद्युत धारा की, धारा विद्युत हो गए, अब अपन बात करते हैं विद्युत धारा की, अगली हेडिंग लिखेंगे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है। अगली हेडिंग लिखेंगे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या हो जाती है, किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर Q/T, ये क्या हो जाती है, विद्युत धारा हो जाती है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा आपका, आवेश बटे समय, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं, I से, तो I बराबर Q/T या I बराबर dQ/dt, इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड और एम्पियर होता है। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या हो गया, एम्पियर कूलाम प्रति सेकेंड हो गया, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर को कैपिटल ए से नोट करते हैं। सीजीएस मात्रक स्टेट एम्पियर होता है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 3×10^9 स्टेट एम्पियर, ठीक है। उसके बाद आवेश कैसी राशि है, सदिश राशि। समय भी कैसी राशि है, सदिश राशि। इसे आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि। समय भी कैसी राशि है, अदिश राशि। तो दो अदिश राशियों का जो अनुपात होता है वो वापस से एक अदिश राशि हो जाता है। तो यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है।
धारा की दिशा, धारा की प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, निम्न विभव की ओर होती है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, उच्च विभव की ओर होती है, अतः उच्च विभव की ओर होती है, अर्थात धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के दिशा के विपरीत होती है, ठीक। तो आपको विद्युत धारा की परिभाषा याद रखनी है। विद्युत धारा क्या होता है? किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आवेश बटे समय। तो I बराबर क्या होगा? Q बटे T, या I बराबर dQ by dt, ठीक है। इसका मात्रक देखें तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो कूलम प्रति सेकंड, इसी को अपन क्या बोलेंगे? एम्पियर बोल लेंगे। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए, क्या कीजिए? एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो यदि किसी परिपथ में एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान एक एम्पियर हो जाता है, ठीक है। एक कूलम एक सेकंड में प्रवाहित हो जाता है तो धारा कितनी हो जाएगी? एक एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? एम्पियर हो गया। सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट एम्पियर हो जाता है। तो इसका अगर सीजीएस मात्रक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टेट एम्पियर। एक एम्पियर में कितना स्टेट एम्पियर होता है? 3×10⁻⁹ स्टेट एम्पियर हो जाता है, ठीक है। अब धारा कैसी राशि है, ठीक है? तो आवेश कैसी राशि है? अदिश। समय कैसी राशि है? अदिश। तो दो अदिश राशियों का अनुपात भी क्या हो जाएगा? एक अदिश राशि हो जाएगी। तो धारा भी एक अदिश राशि है, ठीक है। अब धारा का जो प्रवाह होता है, पहली बात तो धारा का प्रवाह कब होगा? जब किसी चालक के परितः विभवांतर लगाया जाए। अगर आप विभवांतर नहीं लगा रहे हो तो चालक में धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो चालक में धारा का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है, और धारा की प्रवाह की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा क्या होती है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो धारा की प्रवाह की दिशा है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। तो ये आपकी विद्युत धारा हो गई। अब अपन बात करते हैं विद्युत धारा के प्रकार, ठीक है। अगली हेडिंग आती है विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो हेडिंग अपन बात कर लेते हैं विद्युत धारा के प्रकार, कितने प्रकार की विद्युत धारा होती है। विद्युत धारा के प्रकार,
ठीक है। तो विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली आएगी दृष्ट धारा, ठीक है। दूसरी आएगी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। ये क्या होती है? दृष्ट धारा जो बैटरी से मिलती है वो आपकी दृष्ट धारा, या फिर आपका जो कार वगैरह में यूज होती है वो दृष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो जलयंत्र से मिलती है, जिसका उपयोग हम घरों में करते हैं, वो आपकी क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब इनकी परिभाषा से अपन बात कर लेते हैं कि भाई दृष्ट धारा क्या होती है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बेटा दृष्ट धारा की। दृष्ट धारा की क्या होती है? ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती उसे दृष्ट धारा कहा जाता है, ठीक है। ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती उसे दृष्ट धारा कहा जाता है, ठीक है। यह है पुनः दो प्रकार की होती है, यह पुनः दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी? पहला स्थाई दृष्ट धारा, पहली कौन सी रही? स्थाई दृष्ट धारा। तो ऐसी दृष्ट धारा ठीक है, जिसकी दिशा के साथ साथ ऐसी दृष्ट धारा जिसकी दिशा के साथ साथ परिमाण भी अपरिवर्तित रहता है उसे स्थाई दृष्ट धारा कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी दृष्ट धारा जिसका दिशा के साथ साथ परिमाण भी क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, मतलब ना तो दिशा परिवर्तित होगी ना ही परिमाण परिवर्तित होगा, उसे अपन क्या बोलते हैं? स्थाई दृष्ट धारा कहते हैं। यह हमें बैटरी से प्राप्त होती है। तो बैटरी से जो दृष्ट धारा प्राप्त होती है वो आपकी क्या कहलाएगी? स्थाई दृष्ट धारा। अगर उसके लिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो समझो क्या बना रहा हूं मैं, ग्राफ बना रहा हूं किसमें? समय और धारा के बीच में। तो वो कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मतलब समय के साथ धारा का परिमाण अपरिवर्तित रहेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? स्थाई दृष्ट धारा बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्थाई दृष्ट धारा क्या है, ऐसी दृष्ट धारा जिसका दिशा के साथ साथ परिमाण भी क्या रहता? अपरिवर्तित रहता, उसको स्थाई दृष्ट धारा कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा आपका आएगा परिवर्ती दृष्ट धारा। दूसरी कौन सी आएगी? परिवर्ती दृष्ट धारा, ठीक है। परिवर्ती
दृष्ट धारा, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ऐसी दृष्ट धारा, ऐसी दृष्ट धारा, दृष्ट धारा जिसका परिमाण, जिसका परिमाण, परिमाण समय के साथ, जिसका परिमाण समय के साथ, समय के साथ परिवर्तित, परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है परिवर्ती, परिवर्ती दृष्ट धारा कहलाती है, परिवर्ती दृष्ट धारा कहलाती है, ठीक है, कहलाती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि परिवर्ती दृष्ट धारा क्या है, तो ऐसी दृष्ट धारा जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है उसको क्या बोलते हैं, परिवर्ती दृष्ट धारा कहते हैं। अगर उसको अपन ग्राफ से बनाए तो ये क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ये आपका धारा का परिमाण हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो रहा है, इसका परिमाण बदल रहा है लेकिन दिशा नहीं बदल रही, तो ये क्या कहलाती है, परिवर्ती दृष्ट धारा कहलाती है। ये हमको किससे मिलती है, ये आपको डीसी जनित्र या डीसी डायनेमो से प्राप्त होती है। ये किससे मिल रही, बैटरी से, और ये किससे मिल रही, डीसी जनित्र या डीसी डायनेमो से प्राप्त हो रही, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी क्या, दृष्ट धारा। अब अपन बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की, बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं बेटा, प्रत्यावर्ती धारा की बात कर लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा, ठीक, ऐसी धारा, ऐसी धारा जिसकी दिशा, जिसकी दिशा निश्चित, निश्चित समय अंतराल में, समय अंतराल में, ऐसी धारा जिसकी दिशा निश्चित समय अंतराल में बदल जाती है, बदल जाती है, उसे, उसे प्रत्यावर्ती, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी धारा जिसकी दिशा एक निश्चित समय अंतराल बाद क्या होगी, वापस से बदल जाएगी, उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। ये हमारे घरों में जो आती है वो क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। वो कौन सी प्रत्यावर्ती होती है, साइनोसॉइडल प्रत्यावर्ती धारा। साइनोसॉइडल मतलब जिसका वक्र साइन के वक्र के जैसा होता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, साइनोसॉइडल प्रत्यावर्ती धारा। ये आई वर्सेस टी, जितनी देर ये धनात्मक रहेगी उतनी देर ऋणात्मक, वापस उतनी देर धनात्मक उतनी देर ऋणात्मक। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा दूसरे प्रकार की भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि यही होती है, इसके अलावा भी हो सकती है, इस तरह से भी आप प्रत्यावर्ती धारा बता सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलती है। हमारे घरों में ये आती है तो हम इसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, लेकिन ये भी हो सकती है। इसके अलावा ये भी हो सकती है, जितनी देर धनात्मक उतनी देर ऋणात्मक। तो ये भी आपकी प्रत्यावर्ती धारा, ये भी आपकी प्रत्यावर्ती धारा, और ये भी आपकी प्रत्यावर्ती धारा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, तो ऐसी धारा जिसकी दिशा निश्चित समय अंतराल पर परिवर्तित हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, ठीक है। जो घरों में हम उपयोग करते हैं, भारत में घरों में प्रयुक्त, प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, की आवृत्ति 50
हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है, तथा तथा विभवांतर 220 वोल्ट होता है। मतलब जो घरों में वोल्टेज आता है वो लगभग उसका जो बड़े माध्यमूल होता है वो 220 वोल्ट होता है, लेकिन अगर आवृत्ति की बात करते हैं तो 50 हर्ट्ज होती है भारत में। अमेरिका में ये 60 हर्ट्ज की आवृत्ति का भी यूज करते हैं। आपके बल्ब वगैरह पे देखोगे तो वहां पर लिखा रहेगा, जैसे 100 वाट है तो 100 वाट, 50 हर्ट्ज इतने वोल्ट, तो वोल्टेज भी लिखा रहता है, आपका आवृत्ति भी लिखी रहती है और शक्ति का मान भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके विद्युत धारा के प्रकार। अब अपन बात करते हैं धारा घनत्व की। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं बेटा धारा घनत्व की। ठीक है, तो अगली हेडिंग आपकी आएगी धारा घनत्व। धारा घनत्व, ठीक है, क्या होता है धारा घनत्व? किसी चालक में एकांक, किसी चालक में एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाली धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाली धारा को क्या बोलते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा धारा घनत्व का? धारा घनत्व बराबर धारा बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो जे बराबर आई बटे ए। ठीक है, यह है सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, तो जे सदिश बराबर क्या हो जाएगा? आई बटे ए एन कैप क्या हो जाएगा? एक इकाई सदिश हो जाएगा जो सतह के लंबवत दिशा में हो जाएगा। ठीक है, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं आई बराबर जे सदिश गुणित ए सदिश। ठीक है, ये ए सदिश राशि होती है, तो दोनों का बिंदु गुणनफल क्या हो जाता है? अदिश राशि। तो आई बराबर जे ए कॉस थीटा, या डी आई बराबर जे डी एस, एस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कॉस थीटा। तो आई बराबर समाकलन जे डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया या धारा घनत्व का संबंध हो गया। ठीक है, इसका मात्रक। ठीक है, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? एम जीरो एल टू टी जीरो ए माइनस वन, सॉरी, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। तो धारा घनत्व हो गया। अब किसी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। ठीक है, अब अगर चालक के परितः विभवांतर नहीं लगाते तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, तो बच्चे बोलेंगे सर जब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी नहीं हो रहा। नहीं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, लेकिन
किसमें? यदृच्छा दशा में, किसी भी दशा में होता है। तो जब चालक के परिधि विभवांतर नहीं लगाते तो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन? एक किसी भी दिशा में गति करते हैं, ठीक है, जिसके कारण उनका जो औसत वेग आता है वो क्या जाता है? शून्य आ जाता है, ठीक है। तो ये चालक लिया, ये चालक लिया, यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन है, आप विद्युत क्षेत्र नहीं भी लगा रहे हो, विद्युत क्षेत्र नहीं भी लगा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? ये गति कर रहे हैं, लेकिन गति कैसी चल रही है? अब यदृच्छा दिशा में गति चल रही है, जिसके कारण परिणामी वेग कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। परिणामी वेग कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ अब अगर मैं इन पर क्या लगाता हूं? विद्युत क्षेत्र लगाता हूं, तो एक निश्चित दिशा में ये क्या करेंगे? गति करेंगे, लेकिन उस एक निश्चित दिशा में गति करने के पश्चात भी ये एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, टकराते हैं, और इनका औसत वेग निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये जब टकराते हैं तो टकराने के बीच की जो दूरी होती है उसको स्वतंत्र मुक्त पथ कहा जाता है। तो अगली हेडिंग आती है विद्युत क्षेत्र लगाने के पश्चात स्वतंत्र मुक्त पथ, ठीक। तो किसी चालक में, किसी चालक में, चालक में इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमगत, दो क्रमगत संघट्यों, दो क्रमगत संघट्यों के मध्य की, दो क्रमगत संघट्यों के मध्य की, मध्य की दूरी को, दूरी को स्वतंत्र मुक्त पथ कहा जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला? विद्युत क्षेत्र लगा दो, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन टकराए, तो एक बार इलेक्ट्रॉन यहां टकराए, उसके बाद दोबारा जहां टकराएगा, तो दो क्रमगत संघटकों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? स्वतंत्र मुक्त पथ कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है श्रांति का, श्रांति काल, ठीक है। तो जो दूरी है वो स्वतंत्र मुक्त पथ कहा जाता है, ठीक है, जबकि जो समय होगा वो क्या कहलाएगा? श्रांति काल कहलाएगा। तो किसी चालक में, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमगत, दो क्रमगत संघटियों के मध्य के, संघटियों के मध्य के समय अंतराल को, समय अंतराल को, समय अंतराल को श्रांति काल, श्रांति काल कहा जाता है, कहा जाता है। इसे टाऊ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, इसे टाऊ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो शांति काल को किससे प्रदर्शित करते हैं? टाऊ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। शांति काल की कोटि, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, शांति काल की कोटि, शांति काल की कोटि 10 की घात माइनस 14 सेकेंड होती है, 10 की घात माइनस 14 सेकेंड होती है। तो शांति काल बहुत कम होता है, उसकी कोटि कितनी हो गई? 10 की घात माइनस 14 सेकेंड हो गई, ठीक है। इसके बाद आपका आता अनुगमन वेग, परिभाषा देखेंगे, डेरिवेशन अपन अनुगमन वेग का
कल देखेंगे, ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, ठीक है। किसी चालक पर, चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाने के पश्चात, विद्युत क्षेत्र लगाने के पश्चात, लगाने के पश्चात, पश्चात इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को, इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को अनुगमन वेग, अनुगमन वेग कहा जाता है, कहा जाता है। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे अब कोई पूछता है कि अनुगमन वेग क्या है, तो किसी चालक पर जब विद्युत क्षेत्र लगाया उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन का औसत वेग आता है उसी को अपन उस चालक का क्या बोलते हैं, सॉरी उस इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, वीडी से। डी क्यों, इंग्लिश में आप अनुगमन वेग को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए इसको वीडी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मान कितना होगा, ये बाकी वो चीजें वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना काफी, इतना पढ़ लेना, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।